और लेबर वेलफेयर और सप्लाई चेन जो थी उस पर काम होने लगा। उसके बाद टाइम आया आपका 1990 और 2000 का, जब ग्लोबलाइजेशन की बात हुई। अगर आप देखें, मनमोहन सिंह जी आए और उन्होंने ओपन स्काई पॉलिसी लाई, इकॉनमी खुली। तो इकॉनमी खुलने से क्या हुआ, हमारी गुड प्रैक्टिसेस आने लगी। आज हमने जितनी भी बातें की, आज अगर हमारी टेलीविज़न और हमारा सारा कुछ माध्यम बंद हो जाए, हमको नहीं समझ आएगा। आज अब अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया में एक ही चैनल चलता है, जो गवर्नमेंट दिखाता है वही लोग समझते हैं। तो उस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन के वो बिल्कुल बाहर हैं। तो अगर ये जो समय था 1990 और 2000 का, ये अगर आप, अभी बात हुई हंसमुख जी ने बात की ट्रिपल बॉटम लाइन, कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस, ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, ये बात हुई। और 2000 के बाद अगर देखेंगे तो बोर्ड रूम पे एक चर्चा होने लगी कि किस तरीके से हमको सुधार लाना है, गवर्नेंस पे काम करना है और इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आई है, ये बदलाव है दिमाग का, जो बदलाव हमने किया। अगर इससे रिलेटेड देखें तो 1970-80 में, अगर आपने कंपनीज में काम किया है, हमारे जो एल्डर्स हैं वो देखेंगे कि एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता था, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता था, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट होता था। पर धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट बन गया। क्यों बना? क्योंकि हमारी तब्दीली हमारे दिमाग में आई और लोग तब्दील हुए, लोग चेंज हुए, तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ी। कैसे लोगों को हमको रखना है, कहाँ बैठेंगे, क्या स्वस्थता की बात है, किस तरीके से, ये सारा हुआ। और ये 2000 के बाद, फिर हुआ 2000 के बाद का समय। 2000 में एक बहुत बड़ी एक काम हुआ जो यूनाइटेड नेशंस ने किया, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेके आए। कितने लोगों को पता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में? सॉरी, मैं आंकलन नहीं कर रहा कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप सारे हैं, आपको कितना पता है, वो नहीं कर रहा। मुझे पता है आप अपने काम में बहुत बढ़िया हैं, पर ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, वो यूनाइटेड नेशंस ने गवर्नमेंट को गोल्स दिए कि आपको, अगर आपको हिंदुस्तान देखें तो आपकी 14 जगहों पे आपको दिक्कत है। आपको इन्फेंट मोर्टैलिटी बहुत ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, आपको सैनिटेशन का इशू है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो गोल्स बने, वो गोल्स कब ख़त्म हुए? 2015 में। और 2015 में एक नए गोल्स आए, वो आए SDGs, यस, दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब 2000 से 2015 में क्या चेंज हुआ कि गवर्नमेंट जो था वो गोल्स को अचीव करने में जा रहा था। मनमोहन सिंह जी गोल्स को अचीव करने में जा रहे थे और बहुत सारे जितने प्राइम मिनिस्टर्स थे मिलते थे साल में और बात करते थे कि हम ये गोल्स कैसे अचीव करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी, एक बहुत बड़ा वीकनेस था कि इन गोल्स में गवर्नमेंट अचीव करना चाह रहा था, इनकी पार्टनरशिप्स नहीं थी। तो गवर्नमेंट अचीव कर रहा था, ना लोगों को पता था, ना कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही थी। अब 2015 में जो गोल्स आए हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। उन 17 गोल्स में अब कंपनीज जो हैं, अगर मैं आज सुबह भी बात कर रहा था, अगर आप महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज कर दिया। मेरे को कोई बता सकता है महिंद्रा अब क्या कहलाता है? करेक्ट। तो महिंद्रा राइस क्यों बना? क्योंकि महिंद्रा ने यह बताया कि मैं सिर्फ गाड़ी नहीं बेच रहा, मैं गाड़ी के साथ एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बेच रहा हूं। क्योंकि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं गाड़ी किसको बेचूंगा, किसको बेचूंगा मैं गाड़ी, ठीक है ना? तो क्या होता है, ये पार्टनरशिप जो है वो 3 P से चलती है, पीपल पीपल एंड पीपल। माने कि लोग जो कस्टमर हैं, लोग जो इन्वेस्टर हैं एंड लोग जो एम्प्लॉई हैं, 3 P हैं जो किसी भी कंपनी को या तो ऊपर ले जा सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। कोई भी कंपनी में अगर हम सब डिसाइड कर लेंगे कल से वो सामान नहीं खरीदेंगे, क्या वो कंपनी सक्सेसफुल होगी? मेरे को आवाज़ ही नहीं आ रही। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम उसको बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है? बॉयकॉट क्यों करेंगे, उसमें पीछे बहुत कारण हो सकते हैं।
अब इसमें क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक हम तत्पर्य क्या निकालते हैं, ये तत्पर्य ये निकालते हैं कि हम कोई भी कंपनी को जो आंकलन करते हैं, उस कंपनी को आंकलन करते हैं उसकी प्रवृत्ति देख के। हर कंपनी की एक पर्सनैलिटी होती है। आंखें आप बंद कीजिए एक बार, सब आंखें बंद कीजिए। अब मैं यूनिलीवर का नाम लूंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपके दिमाग में क्या आता है मेरे को बताइए, क्या कौन सा प्रोडक्ट आता है? लाइफ बॉय आता है। अच्छा ठीक है, चलो लाइफ बॉय लेके चलते हैं। तो जो यूनिलीवर है उसकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, सोप, उसने लाइफ बॉय बनाया, ठीक है, तो लाइफ बॉय से वो जाना जा रहा है। तो पर्सनालिटी क्या है, वो सोप जो बेसिकली सेफ है, सिक्योर है, और वो उसकी एक प्रतिष्ठा है, लाइफ बॉय की प्रतिष्ठा है ना, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं लाइफ बॉय। अब वैसे ही आंखें बंद करें और हम महिंद्रा सोचें, जीप दिखेगी, जीप दिखेगी आपको, उसका ट्रक नहीं दिखेगा। और टाटा देखोगे तो टाटा में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। वैसे ही अगर आप स्टारबक्स देखोगे तो कॉफ़ी दिखेगी, आपको देखने की, ब्रांड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बात है कि वो पर्सनालिटी है, हर कंपनी की एक पर्सनालिटी है। और जैसे अभी सुनील जी ने बोला वो पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट है, वो पर्सनालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आप तैयार होके आते हो वो भी कंपनी भी तैयार होके अच्छी दिखना चाहती है, अच्छी दिखना चाहती है। वो क्यों सी एस आर करेगी, उसको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको कंप्लायंस करना है, वो सीए है ना, कंपनी सेक्रेटरी है, वो हायर कर सकते हैं, जिस जो बड़ी कंपनी है वो सब कुछ कर सकती है, वो हायर करेगी, बताएगी भाई एक्सपर्ट लाओ, पारुल सोनी जैसे बहुत आ जाएंगे, बताएंगे ऐसे करो, आप ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, सारा कुछ बताएंगे, रिपोर्ट भी बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, सब कुछ देंगे। पर उसकी प्रवृत्ति चेंज होने की ज़रूरत है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पर्सनैलिटी समझ जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं सुनील जी को देखूं, सॉरी आपका एग्जांपल ले रहा हूं, तो सुनील जी को देखूं तो मैं सुनील जी के, अगर मैं इनसे पहली बार मिलता तो मैं वो बात करता और इनको मैं एक प्लान बेचाता, आई एम टेलिंग यू 100%, बिकॉज जो एक पर्सनालिटी होती है ना, वो एक पर्सनालिटी है, वो डिफरेंट तरीके से समझती है और उसको चाहती है। पर कभी क्या होता है, उनको सही आदमी नहीं मिलते, अच्छा एडवाइज़र मिलना भी तो मुश्किल है। राहुल गांधी जी को मिला क्या? मिला? ममता बनर्जी को मिला? नहीं मिला। मोदी जी को क्यों मिला? नहीं, मोदी जी को इसलिए मिला क्योंकि वो चाहते थे अच्छा आदमी। जो चाहता नहीं है, जो क्लोज्ड माइंडेड होता है, उसको अच्छा आदमी नहीं मिलता। जो आदमी चाहता है उसको अच्छा आदमी मिलता है। वो कहते हैं ना, भगवान को भगवान मिलता है। आप हमेशा आप ये सोचते जाओ कि इस जो चोर है, चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है, तो वैसे ही होगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ है कि कोई कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी आप ले लो, वो अपने में इन्वेस्ट करेगी और चाहेगी सीखना तो चाह के सीख लेगी, पर अगर वो नहीं चाहती वो नहीं सीख पाएगी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कॉर्पोरेट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के प्रति, जो लोग उनका सामान खरीदते हैं और वो स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर समझते हैं आप थोड़ा सा, बिकॉज मैं ये स्टेक होल्डर एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है। स्टेक होल्डर गवर्नमेंट भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो स्टेक होल्डर में जैसे मैंने तीन पी बताई कि तीन पी हैं, पीपल पीपल पीपल, वो ही आप अगर सोचें तो वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप सोशल पार्ट में ना जाएं तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी एथिकल, टू बी ऑनेस्ट, टू बी गुड। अभी इतने स्कैम क्यों निकल रहे हैं? ये स्कैम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम नहीं थी, सॉरी, जो चला रहा था उसके दिमाग में प्रॉब्लम थी। उसको लग रहा था मैं जल्दी से पैसे कमा लूँ और मैं इस सारे सिचुएशन को समझ लूँगा, बाद में पैसे खिला दूँगा, चल जाएगा। हम पहले इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, यार देख लो थोड़ा सा
देख लो, कर लेंगे सर, शाम को मिल लेंगे। अगर हम उसको ये बोलना बंद कर दें कि भाई शाम को मिल लेंगे, चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, उसको भी समझ आ जाएगा। तो ये प्रवृत्ति हमको लानी है। वैसे ही कॉरपोरेट में भी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक दिमाग में एक शक्ति लानी है, उस शक्ति से चेंज होगा। अब कंपनी जो है वो किस तरीके से चलती है, मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ इस एक स्लाइड के बाद। अब जैसे हमारे हंसमुख जी ने बोला कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री थी जो एक विश्व में पहली बार एक क्लॉज लेके आई कंपनीज एक्ट में। ये बिल्कुल सही है, और इतनी बड़ी कंट्री है वो लेके आई। पर इंडिया को देखते देखते बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो ये क्लॉजेज लेके आई और पार्लियामेंट में उन्होंने पास किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये क्लॉज और ये काम अच्छा है अगर कंपनीज उनकी उस कंट्री की कंपीट करना चाहें। अब मॉरिशस में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है आप देखिए, मॉरिशस में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंट्री दिखाना चाहती है कि हम भी एथिकल हैं, हम भी ऑनेस्ट हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये आप मॉरिशस देखेंगे, यूरोपियन यूनियन देखेंगे, उधर मलेशिया, मलेशिया भी लेके आया इसको क्लॉज को। उसके बाद आपका सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है। अभी बहुत सारे क्लॉजेस और बहुत सारे चेंजेस मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, तो वही है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे आऊँगा, आपको एक ही स्लाइड में पूरा समझाऊँगा जो हमारे जो स्पीकर्स ने बताया। जब आप कंपनी के पास जाते हो तो कंपनी क्या सोचता है, ठीक है? आप जैसे पार्टनर्स हो, आप एनजीओ हो, आप जाते हो तो उनको लगता है कि आपका फिटमेंट कहाँ है। जैसे आप अपने, मैं फिर सुनील जी के पास जा रहा हूँ, सुनील जी हैं पब्लिकेशन में, कागज़ की खपत बहुत है सर, कागज़ की खपत बहुत है, तो इनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो कितने सारे लोग कितनी राय दे रहे हैं, इन्होंने राय नहीं मांगी, मैंने राय मांगी पर सबने राय दे दी। बताइए आप सर, यहाँ से शुरू करते हैं, क्या क्या करना चाहिए? वनीकरण। अच्छा आप बता दो, आप दोस्त हो बट कोई नहीं, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को कोई नहीं आपको फोन करके बोलेगा। हाँ जी ठीक कर, वेरी गुड। आप बताइए। नहीं डिप्लोमेटिक कभी कभी रहना पड़ेगा, उनको उनके साथ रहना है कम्युनिटी में। हाँ जी, एजुकेशन। हाँ अच्छा, देखो आज ही पोल्स हो जाएगा, यही हो रहा है। हाँ हाँ जी, एनवायरनमेंट। चलो मैं वो आपके साथ हैं, डरते हैं बहुत आपसे, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कंपनी का एक इशू है कि भाई कंपनी क्या करे, उसके मन में है कंपनी के। अब मैं कंपनी को एक एंटिटी के हिसाब से ले रहा हूँ, एक पर्सनैलिटी के हिसाब से ले रहा हूँ। तो कंपनी क्या करे, कंपनी को हर शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर अलग अलग बात कर रहा है। हेल्थ करो, एजुकेशन करो, स्किल डेवलपमेंट करो, एनवायरनमेंट करो, पेड़ लगाओ। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या करे, उसको एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालना है। जो भी कंपनी है, जिस बिजनेस में है, उस बिजनेस के हिसाब से, जो सबसे रिलेटेड मैटर है, उस हिसाब से CSR चलता है। लाइसेंस टू ऑपरेट है, ब्रांडिंग भी है, फ्लैगशिप भी है, सब कुछ है। मैं सारे जो मसाले उसमें डाल दूंगा, पर मसाले के साथ जो निकलेगा, जो डिश बनेगी, वो डिश स्वादिष्ट होनी चाहिए, आपको अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है? जब उनकी एनुअल रिपोर्ट आए तो आप पैसा और लगाओ। ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आइकिया एक कंपनी ऐसी है, आइकिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? वाह एक्सीलेंट, बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, आइकिया आ रही है बॉम्बे, बिल्कुल हैदराबाद आ गई है, देखो कितनी न्यूज़ है। तो आइकिया जो कंपनी है, आइकिया जब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है अपना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो ट्रिपल बॉटम लाइन और बताती है कि कितनी सस्टेनेबल है वो कंपनी, जैसे एनुअल रिपोर्ट निकालती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? लोग पढ़ते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी रहेगी। एक ऐसी कंपनी जो कि जिसकी एनुअल, ऐसे एनुअल रिपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देके पता ही नहीं चलेगा कि क्या करते हैं, तो लोग पैसे नहीं लगाएंगे।
तो आजकल ये समय और ये परिवर्तन आ रहा है। तो अब अगर आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मैंने 18 महीने का आपका ये लगाया एक ही लाइन में कि कंपनी किस तरीके से चलती है। कंपनी पहले CSR पॉलिसी बनाती है, हर कंपनी जिसको CSR करना है सेक्शन 135 में वो अपनी पॉलिसी बनाती है, CSR कमिटी बनाती है, वो पॉलिसी CSR कमिटी में पास होती है तो वो कंप्लायंस हो जाता है। अब उसको पॉलिसी में क्या क्या करना है, मैंने एक टेंटेटिव लिस्ट दी है, लिस्ट बहुत सारी अगर आप देखोगे तो आप चेंज कर सकते हो, रूरल डेवलपमेंट, प्रो पुअर, पुअर, बहुत कुछ कर सकते हो उस हिसाब से। आप देखो एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इमरजेंसी केयर, सारा कुछ। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद कहती है कि मैं कच्छ में काम करना चाह रही हूँ। अब कच्छ पहुँच जाते हैं, अब कच्छ में किससे मिलते हैं, एनजीओ से मिलते हैं। अब लोगों को ढूंढने लगते हैं कि भाई कहाँ है वो, कहाँ है एनजीओ, तो भाई एनजीओ आ जाते हैं कि हम आ गए, बिकॉज वो भी पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जब आते हैं तो हमारे जैसे लोगों को वो हायर करते हैं कि भाई आओ देखो भाई इनका आप ड्यू डिलीजेंस करो। जो ड्यू डिलीजेंस होता है, अगर आप अभी देखो मेरी कम से कम 175 क्लाइंट्स हैं जो कंपनीज हैं, उनका हम हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं प्री ग्रांट असेसमेंट, विच मीन्स कि हमको फाइनेंशियल, उनका फाइनेंशियल सिस्टम्स, उनके प्रोसेसेस, उनकी एनुअल रिपोर्ट, उनका गवर्नेंस, उनकी टाइपोलॉजी, उनका सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ बियर थ्रेट। आई कैन टेल यू वी हैव अ टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ऑल दैट बैठते हैं और हम उनकी पूरी पूरी जो एनजीओ होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक पन्ना, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, ड्यूटी क्या करते हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके उनका CEO कौन है, कौन ट्रस्ट में है, उनका हम FIR तक पूरा पुलिस रिकॉर्ड भी सारा कुछ चेक करके कंपनी को देते हैं। हम क्यों देते हैं, क्योंकि अगर महिंद्रा जैसी कंपनी है या यूनिलीवर जैसी कंपनी है किसी के साथ एसोसिएट हो गई और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल गया, कौन फंसेगा, हम फंसेंगे, क्योंकि हमने उसका ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट दिया है, ठीक है। उसका पहला ये है ड्यू डिलीजेंस, विच इज़ जनरल इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टाइपोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। आपने बोला पानी पे काम कर रहे हैं, पर पानी पे आपने कोई काम नहीं किया है, पर आपने प्रपोजल पानी का लिख दिया, तो कंपनी आके पूछेगी कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है पानी में, कितने जोहड़ बनाए, कितने एनीकट बनाए, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये है, और आपका कौन सा एक्सपर्ट है पानी पे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो वो हो जाता है आपका ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, विच इज नोन एज पार्टनर सिलेक्शन, पार्टनर सिलेक्शन। उसके बाद अगर पार्टनर सिलेक्शन में आप बोर्ड में पास हो गए, तो बोर्ड में अगर पास हो गए तो आप जाओगे MOU साइनिंग में, MOU साइन होगा। MOU साइन क्यों होगा, क्यों, एक साल या दो साल